तो बच्चों हम लोग कल कहाँ तक पहुँचे थे? किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं। अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि किसी पिक्चर का हीरो कौन है तो फटाफट जवाब दोगे, फटाफट, जैसे कि तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं। हाँ, हीरो से मुझे एक्टिंग की याद आई। हाय 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 हाय, हमारे जमाने में जो एक्टिंग हुआ करती थी आजकल के जमाने में कहाँ है? मुझे याद है जब मैं नौटंकी में एक्टिंग करने की पटना गया था। ये कोई आने का समय है? बस देख के निकला करो, घर में घड़ी नहीं है क्या? मैं कॉलेज में नया हूँ ना सर। नया क्यों आज? पुराना आना था। तुम्हारा नाम क्या है? अजय, अजय आनंद। वाह, क्या नाम है। तुम्हारा वजन कितना है? जी क्या होता है, वजन कितना है तुम्हारा? करीबन 55 किलो और 200-300 ग्राम इधर उधर। कपड़ों समेत या बगैर कपड़ों के? वो तो कपड़ों के समेत जरूर के थे। आइंदा से बगैर कपड़ों के वजन कराया करो। आइए हम अपने कक्षा के विद्यार्थियों से आपको मिलाए। अच्छा वैसे बताइए आपके जूते का नंबर क्या है? 8 नंबर होगा। वैसे 10 नंबर का जूता पहन के आइएगा। जूता क्या मतलब होता है? यस, नया दाखिला हुआ है? नहीं, क्यों आए? पुराना आना था। ने अगर बदतमीजी की तो बाहर निकाल दूंगा। अरे जब तक किसी नए आने वाले की खिंचाई नहीं की जाए और ठोकर से भी दो चार टप्पू नहीं मारा जाए ना, तो कैसे पता चलेगा हम इस कॉलेज की टीम है? क्यों देखिए उसको और मत बताओ, वो बहुत स्वीट है। बहुत स्वीट है, तुझे तो हर पीस लगता है। कहता हूँ हाथ छोड़, वरना बगैर चांस के घर जाएगा। मैं कहता हूँ कप नीचे रख, वरना बगैर हाथ के घर जाएगा। ऐसी बात है। अरे
पीछे, ऐसा मत करो। अरे ऐसा मत करो, आपस में क्यों झगड़ा करते हो भाई तुम लोग? नहीं हो रही है, कुछ छटपट नहीं लग रही है, मौसम बड़ा डल जा रहा है, लेकिन लगता है आज कुछ जम जाएगा। क्या जमेगा? अरे मेरे सामने वाली कुर्सी पर एक चांद सा टुकड़ा बैठा है। कौन चांद का टुकड़ा? अरे वो देखो ना सामने, अरे क्या चंद चमक रहा है, लगता है ऐसे टप्पू मारू के मजा आ जाए। लगातार छटपट लगा था बोल। अरे तुमसे आज तक कोई जीता है जो आज जीतेगा? नहीं भाई, आपने भी नहीं लगानी। अरे 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 जो काम मेरे बाप ने नहीं किया वो मैं क्या करूँगा? अरे आजकल बाप से आगे बेटा बढ़ जाता है। दिलीप कुमार का बाप क्या हीरो था? अरे ये तो दिल क्या लगाएगा? अरे इसके लिए तो जिगर चाहिए, दिल। हाँ, अरे बैच में तो आदमी गोली मार देता, तू एक टप्पू नहीं मार सकता। अरे ये तो यूं ही आ गया कॉलेज में, इसे किसी कन्या पाठशाला में नहीं मेरा 10 का नोट। बोल मारेगा क्या? अरे कभी नहीं मारेगा, तेरा डर लग गई। ला पास ला, ला तू भी ला, ला। लड़के में जिगरा है साला, आपने स्टैंडिंग का लड़का लगता है। अबे साले मोहन तू यहाँ बैठा है? साले ने बहुत जोर से मारा यार। मैं मोहन नहीं, लेकिन तू इतना भाव मत खा, एक बार और मार के पता था क्या? एक बार और हो जाए यार, हो जाए। लेकिन 20 की लग गई मारेगा।
सॉरी अंकल, अब मेरे दोस्त की शक्ल आपकी शक्ल से बहुत मिलती जुलती है। आपका कोई जुड़वा भाई तो नहीं है ना? जुड़वा भाई? हाँ जी, जुड़वा नहीं होता, मोटा मोटा। सॉरी, हाँ जा जा जा। ओहो, बैठना ही मुश्किल कर दिया ये आजकल के लड़के। मेरे घर में छह लड़कियां, इन लड़कों का झमेला है। एक बार और मारेगा जाके उसको? या, लेकिन 40 की। 40 की? या, या तो मैं जीतू 80, या फिर तू। बोलो बोलो बोलो। हो गए? चल, लगे लगे। हो गए हो गए। आशीर्वाद दो कि तुम्हारा वीर पुत्र संग्राम में विजय प्राप्त कर गया। अबे प्राप्त नहीं, प्राप्त। थैंक यू। हाँ, प्राप्त प्राप्त कर गया। हाँ, ये वीर प्राप्त। क्या बात है। हाय विक्रम, कैसे चल रही है? हाँ, रिहर्सल वगैरह तो फर्स्ट क्लास हो गई है, लेकिन कम वक्त हो, तुम्हारा गाने वाला अब तक नहीं आया। ये अजीत का बच्चा 3 दिन से नहीं आया। मैं तुमको कहा था उसके घर जाने को? गया था, वो पिकनिक पर गया हुआ था। आधा घंटा बैठकर मैंने उसका इंतजार भी किया था। माँ ने मुझे खिलाया पिलाया तक नहीं। खिलाया पिलाया तक नहीं? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना कमजोर क्यों दिख रहा है। आगे एक चंबी का कुत्ता। आइए हमारे कॉलेज के किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए। हाँ, बैठिए ना, बैठिए ना। अजी, तुम्हें कुछ ख्याल नहीं, कल फंक्शन है, तुमने एक भी रिहर्सल नहीं की। ये तेरे गले को क्या हो गया? गले बैठ गए ना। ओह नो, मगर कैसे बैठा? कल शाम को देव के बजेगा तब इसलिए। देख अजी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कल तक कुछ भी करके गला ठीक करवा ले। अबे साला, तेरे बाप ने कहा था पिकनिक के लिए। अरे ठहरो 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 यार, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। जैक्सो बेबी जी, आपके पास दिमाग है जिसमें कोई आइडिया आएगा? दो ना। हाँ बोल जाए। देख, अजीत के पुराने गाने का टेप हमारे पास है, कल हम उसे माइक में बजा देंगे और फिर कोई स्टेज पे जाके मुंह हिला देगा, काम बन जाएगा। अरे तू फिक्र मत कर, मैं हिला दूंगी। लड़कों की आवाज में लड़कियों की लाइन। विक्रम, प्लीज। क्या है कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, तो मेरी मेरी माँ का फोन है। अभी अच्छा, मेरी बात, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। क्या देना यार, सिर्फ मुंह ही लाना यार। मैं स्टेज पर गया, मैंने वहाँ पब्लिक देखी, मेरी तो घंटी बजाएगी। आई गेट कॉन्शियस, आई गेट नर्वस यार। कुछ नहीं होगा। हाँ, निशा में गा लो। अबे ये
तुम लोग सब मिलकर मुझे बता रहे हो? नहीं भाव की बात अच्छी बात चलो गा लेता हूँ। देखो सुनो बाद में कुछ उल्टा सीधा हुआ मुझे गाली नहीं होगा। कसम से बिल्कुल प्रॉमिस। इस तरीके जल्दी से टेप ला। टेप नहीं यार, मैं भरी जनता के सामने अभी कहूंगा। मुझे शर्म आती है, घर जाऊंगा मैं, पापा पैसे करूंगा। ठीक है ठीक है। काम कम करना। डर तो रहा हूँ। अरे तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जल्दी Woo!
बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। हमारी दास्ता कहेगा ये जहां, हमारी दास्ता कहेगा ये जहां। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम लाला निशा, मैं तुमसे एक बात कहूं। बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैं तुमसे बहुत बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं होती। कॉलेज में भी कई बार कोशिश की, लेकिन मौका नहीं मिला। निशा, मैं आज हिम्मत करके तुमसे सब कुछ कह दूंगा। ठीक रात 12 बजे मेरे फोन का इंतजार करना। अगर फोन पर पहले तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो मैं बात करूंगा, वरना समझूंगा कि अच्छा तो नहीं है। तो चका नहीं जाएगा। अच्छा पापा, नहीं डांटते, बोलो क्या है? नहीं डांट रही हो? वो जल्दी पापा झड़ जाएगा। आप कल कॉलेज के पास किंग ग्राउंड में मिलना, आओगे ना? हेलो, दर्शन स्वयं एक जीवन है और दर्शन का दूसरा नाम है जीवन। दर्शन शास्त्रों के अनुसार संसार के कण कण में दर्शन समाया हुआ है और उसी प्रकार मनुष्य के अंग अंग में दर्शन समाया हुआ है। जैसे कि कुछ कवियों ने कहा है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। Give it.
मुझे बजाना, मुझे सुन। बात है क्या? अजय, ये क्लासरूम है स्टेज नहीं। गाना क्यों गा रहे थे? मैं गाना नहीं गा रहा था। मैं फोन करता हूँ आइंदा ऐसे और रिपोर्ट करना। ठीक है। तुमने तुमको लेगा, तुमने हम। अजय, ये सर। रिपोर्ट ऑफ ऑफेंस। थाना का मुझ पर नाराज हो रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ इधर आओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, वो आई से कम यार। सर सीरियल खत्म होने में 5 मिनट बाकी रह गए, उसके बाद आप सब जा सकते हैं। और अपने सिंगर बनते हो? नहीं सर, मैं आदि तुम्हें बताता हूँ। तुम बीच में सर, मैं मेरी बात चुप रहो। सर मैंने नहीं गाया सर। सर सर प्लीज लीव मी सर, आई प्रॉमिस ऑन माय वर्ड सर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चुपचाप बैठ जाओ। सर मेरी बात सुनी सर। सिट डाउन। तो तू क्लास में कौन सा गाना गा रहे थे? सर मैं नहीं गा रहा था सर, वो सब मिस शट अप। तुम गा रहे थे, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। गाओ मगर सुर में गाओ। तुम्हारा सुर गलत था, वही गाना मैं तुम्हें सुर में गा के सुनाता हूँ। देखो देखो, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, देखा देखा देखा। ऐसे कर तुम भी खा इसी तरह। मैं मुश्किल है। मुश्किल तो है लेकिन प्रैक्टिस करो आ जाएगा। मैं घर जाके प्रैक्टिस करूंगा सर, इतना बढ़िया गाना इतनी जल्दी नहीं आता। अब यही गाना मैं तुम्हें दूसरे अंदाज में गा के सुना। नहीं सर, तुम भी क्या वो बोरो रहे हो क्या? नहीं बोरोने का सवाल नहीं सर, असल में जिंदगी में पहली बार इतना बढ़िया गाना सुना है। मैं कह रहा था सर कि आज के लिए इतना काफी है, ये डोज फिर कभी फिर कभी फुर्सत से बैठो तो भाई मैं तुम्हें हंसते हंसते गीत सुनाऊंगा कि तुम सुनते सुनते बेहोश हो जाओगे। बेहोश? एक बार हम संगीत सम्मेलन में गए थे, वहाँ देश के कोने कोने से बड़े बड़े गवैया आए हुए थे। मैं जाता हूँ। बेटों का नहीं करते, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान समझे। तो जब सब लोग गा चुके तो हमारी बारी आई, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब हमने गाना शुरू किया तो सब लोगों की घंटी बज गई। क्या हुआ? घंटी बज गई सर, मगर मैंने तो गाया नहीं। मैं जाता हूँ। अरे सुनो, अगर गाने में किसी प्रकार की किसी तरह की डिफिकल्टी हो तो फौरन चले आना। तुरंत? हाँ, 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 सुनो शर्माना नहीं समझे। सुनो
वादी में गूंजे गीत हमारे। यूं ही रहे नजर में जवान दाने, इस वादी में गूंजे गीत हमारे। निशा के नाम पे और आपको गलती से लग गई वो। तो चिट्ठी तुमने निशा को लिखी थी? जी कोमल जी, समझ की कोशिश कीजिए, मेरा निशाना चुक गया, नहीं तो आप तक कभी नहीं पहुंचती वो। अंडरस्टैंड मी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई यार, तू निशा को चाहता है ना? हाँ जी। मैं तुझे मदद करूंगी, ओके? चल, चलते हैं। मिला हाथ? थैंक यू वेरी मच जी। बच्चों, इस शहर में इतनी दूर से हम कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हम इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। वैसे तो हमें भाई हर खेल जीतने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आज शाम को होने वाला हॉकी फाइनल हमें हर हालत में जीतना है, उसे हारना नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम लोगों ने कभी हारना सीखा ही नहीं है। एक बार मैं हॉकी खेल, अरे भाई अरे वो बेचारा अकेला क्या करेगा, बाकी जो निकम्मे बैठे हुए, बड़ा नासा आज एक ही गेम पर। तो अब क्या हुआ, आप देख। अरे अब खाक होगा, 7 मिनट लगे गेम को। अरे चूड़ियां पहन के यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी जगह हम लड़कियां खेल लेंगी। लग
तुम मुझसे मिलने आओगे ना। सामान भी बहुत कीमती है ना। हाँ बहुत कीमती यार। अभी मुड़ो इधर। एक काम कर, तू नीचे झुक जा, मैं तेरे कंधों पे खड़े होकर ऊपर देखता हूँ। नहीं तू झुक जा, मैं देखता हूँ। साला मेरा फ्रैक्चर करवाना है तूने? देख यार, मुझे अपना वजह संभाला नहीं दे सकता, मैं तुझे कहाँ से उठाऊंगा। देख मुझे एक आइडिया है, मैं जाता हूँ, दो तीन दोस्तों को लेकर जाता हूँ। अकल से काम कर, यार कितना प्यारा है। और सुन, किसी को आते देखा ना तो सीटी बजा के इशारा कर देना, मैं ऊपर आऊंगा। सीटी बजाने आती ना? हाँ पक्का। हाँ अच्छा बस कर, जब मैंने ना करना यार, मेरी पैंट उतर रही है और अंदर चली भी नहीं है। मेरी प्यारी माँ,
मुझसे नाराज हो गई? हाँ? तुमने जो दुख मुझे पढ़ाने लिखाने में उठाए हैं ना, उतना ही सुख मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू मत रो माँ, तुम्हारे आंखों में अश्रु अच्छे नहीं लगते। मत रो माँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ माँ, अगर तुम रोगी ना तो मैं भी रोने लगूंगा। What's wrong with him? मिस्टर कोस्टा, इसे नींद में चलने की बीमारी है। परसों रात को चलते चलते बाथरूम में आ गया, रात भर वहीं पड़ा रहा। कितनी बदबू आ रही थी। ओह गॉड, पहले काहे को नहीं बताया? पुअर बॉय, माय फ्रेंड, तुम अपनी माँ को इतना प्यार करता है। मिसेस डिकोस्टा, देखिए आप सब यहां क्या कर रही है? अच्छी बात, बॉयज कंपाउंड मैं ख्वाब देख रहा था जी। वो पीछे वाले गार्डन के पॉइंट के पास मैं जाता हूँ, रात के 10 बजते हैं, वहां मेरा बहुत ही प्यारा अजीज दोस्त मुझे मिलने आता है। गर्ल्स, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैंने आप लोगों को इस वक्त जगाया है। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड मी, मेरी बात समझ लीजिएगा। हाँ अच्छा बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आप सो जाइए, आप सो जाइए। चल मोटू,
तुम्हें फुर्सत में हो तो मैं बैठता हूँ, वरना फुटता हूँ। नहीं यार, इस बार आउटिंग का मजा आया। तुम फोकट में पक्का करके मेरा टाइम क्यों खराब करता है? टोटल करके देखो, 20 रुपया हो ही नहीं सकता। एक हफ्ता टोटल रॉन्ग हो ही नहीं सकता, मशीन से करता है। अरे तुम्हारी मशीन गलती कर सकती है, मेरी आंखें और मेरा भेजा कभी गलती नहीं कर सकते। दिन भर हजारों का लेन देन करता हूँ, मजाले एक पैसे का हेर फेर हो जाए। फिर टोटल करो, 19 रुपए 12 आने बनते हैं। ओके ठीक है, 19 रुपए 12 में भेज दी लोगों को था, इतना सा बात के वहाँ से दुकान छोड़ के इधर काहे को आ गया? काहे को नहीं आएगा, 4 आने का सवाल है, फुकर में मिलता है क्या? 4 आने कमाने के लिए 8 आने का झूठ बोलना पड़ता है, समझे? बूंद बूंद से समुद्र बनता है। यार बड़ा ही कंजूस आदमी है ये, साले को इतने पैसे हैं फिर भी 4 आने के लिए कुत्तों की तरफ भौंक रहा था। अजय इसको मैं जब भी देखता ना मेरी हाथ खुजली छुरी हो जाती है, देख अभी खुजली हो गई। अरे उस रोज नहीं देखा, एक फकीर को इतना मारा कि उसका मुंह खून खून हो गया, और जब लोगों ने पूछा तो कहने लगा वो उसकी दुकान से 10 पैसे चुरा कर पाला था। मैंने ये? तो फिर इंसाफ को सरकार की तरफ से तो कंजूसी का इनाम मिलना चाहिए। यार इसलिए मुझे कभी कभी गुंडे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों से ठोक के पैसे तो निकलवा लेते हैं, भला खुद खाते ना किसी और को खाने देते हैं। वो गैंग का एड्रेस भूल रहा हूँ, पर मैं इस साले का नाम पहले लिख कर भिजा देता। कौन सी गैंग? अरे वही गैंग जो ऐसे लोगों को धमकी देकर माल वसूल करती है। मुझे तो नहीं मालूम कौन सी गैंग है, तुम्हें पता है क्या? नहीं नहीं मालूम। नहीं कमाल है यार, तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो, पेपर वगैरह पढ़ते हो कि नहीं? आजकल एक ऐसी गैंग निकली हुई है जिनके हाथों अमीरों की नानी मरी हुई है, बस किसी को चिट्ठी लिख देते कि फलाने फलाने जगह इतने रुपए पहुंचा दो, और अगर पुलिस को खबर दी तो बस। माय गॉड की क्या बात है। अरे ऐसे कंजूस और ब्लैक मनी वालों का तो यही हाल करना चाहिए। नहीं विकी नहीं, ये साहब उन लोगों में से नहीं, ये कंजूस अपनी जान दे देगा लेकिन एक दमड़ी ढीली नहीं करेगा। जान बड़ी प्यारी चीज है, रखो अगर किसी मिल गई ना तो भाग तुम्हें पैसा दे जाएगा। अरे जा, तू तो हर बात पे शर्त लगाता है, अगर ऐसी बात देख ले निशा हो जाए तो साले की चिट्ठी। अरे बहुत मजा आएगा। कौन देखेगा, हम लोग और नहीं तो क्या, बड़ा मजा आएगा। रहने दे, कहीं खेल खेल में फंस गए तो। अरे कोई खेल खेल में नहीं फंसता, तू देखते जा। निशा तेरे टाइपराइटर है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से हाथ से इतना खतरनाक होगा। हाँ टाइपराइटर तो है मगर मुझे टाइप करना नहीं आता। नहीं आता कुछ बात है क्या? घास नहीं है। भैया मम्मी भी घर में नहीं होगी, बैठो बैठो बैठो। तुम लोग तो सच मुझे चिट्ठी लिखने पर चले दे भाई। अगर जाए 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 तू हमेशा टांग लड़ाता, इस बार मेरे कहना मान ले और चल। टाइप करना यार, फिर क्या हो गया तुझको? यार विकी एक बार फिर सोच ले, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया फजूली मुश्किल में पड़ जाएंगे। कमाल है यार, तू इतना डरपोक है मुझे मालूम नहीं था। निशा लड़कियों को नहीं घबराती और तू इस तरह मर्द होकर डरता है, छी शर्म आनी चाहिए। अजय हम लोग तो उससे मजाक कर रहे हैं, वो कौन सा सर्विस पैसे दे देगा? कम ऑन दी सर, चलना यार कम मत करो, टाइप कर, तेरी इंग्लिश अच्छी है तुझे कह रहा हूँ, वरना मैं खुद टाइप कर लेता। बोल भाई क्या टाइप करना है? मैं हिंदी में बोलता जाता हूँ और तू इंग्लिश में टाइप करते जा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है या डोंट डिस्टर्ब यार, तो टाइप करना। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो कल शाम 5 और 6 के बीच 5,000 रुपए हम तक पहुंच जानी चाहिए, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। तमाम नोट पुराने अखबार में लपेट कर पोस्ट ऑफिस के बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक कर चले जाना। अगर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की या पुलिस को कुछ बताया तो अगले दिन उसी डिब्बे में तुम्हारी लाश पाई जाएगी। ब्लैक कपड़ा। What bloody nonsense is this यार? निशा जरा देखना ठीक लिखा है कि नहीं। बाकी सब तो ठीक है मगर एक गड़बड़ ऐसी की है कि बेचारा नहीं मरने वाला होगा तो वो भी मर जाएगा। तुमने 5,000 टैप करने को कहा था ना, और अजय ने 1 0 और मिलाकर 50,000 कर दिया। हंसने की कोई जरूरत नहीं है।
टाइम पहले तो खुद कर लीजिए आप। I'm sorry. कोई जरूरत नहीं यार, बिल्कुल ठीक है। 5,000 से लेकर धमकी ब्लैक कोबरा ने नहीं, कोई फालतू साले चोरों ने दी है। लेकिन 50,000 से जरा धमकी में वजन आ जाता है। 50,000? हाँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। होने दो ना, पैसे तो मिलने नहीं वाले। 50,000 हो या 5,00,000, क्या फर्क पड़ता है? बातें मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ विक्रम कहता है धमकी दे रहा, दूसरी तरफ कहता है कि वो मजाक कर रहा है, और ये कहती कि पैसे नहीं मिलने वाले। आखिर विक्रम क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे डैडी को पता चलेगा मेरी ऐसी पिटाई। यार कैसे पता चलेगा, नाम लिखा है, पता लिखा है, और यहाँ तक कि मैं उंगली को निशान मिटा दूंगा। यार लेकिन लेकिन छोड़, अगर आज मैंने खत पोस्ट नहीं किया ना तो कल तक उसे मिलेगा नहीं, इसलिए मैं चलता हूँ और कल तुम लोगों को मिलता हूँ। ओके, तुम भी नवर। क्या सोचे हो? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ यार। सुनो, गुड नाइट। साला 10 बज गया, पोस्टमैन अभी तक नहीं आया। चिट्ठी नहीं आएगी यार। क्या बोलता है यार, नहीं आएगी। लगी शब्द भाई, नहीं आएगी यार। अब तो बोर मत लग गई। चल चल चल। अरे वाह पोस्टमैन साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये हालत देख, पसीना पसीना हो रहा है। देख देख कैसे पड़ रहा है, जैसे नानी मर गई है। अबे आने दे साला, इसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं, कुछ और सामान नहीं, पहले नहीं, कुछ और सामान।
आ गया ना रास्ते पर। सवाल है यार, साले की तिजोरी जितनी बड़ी है ना, दिल उतना ही छोटा है। लाला चलो यार। अरे कहाँ जा रहा है? घनश्याम दास को पैसे वापस करने। पागल हो गया क्या? क्यों, ये एक मजाक था ना? अरे इस वक्त उसके पास जाएंगे तो इतना भिन्नाया हुआ होगा कि वो हम तीनों को ठोक के पुलिस स्टेशन ले जाएगा मालूम। तो फिर पैसे तू रखेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं, we all three will share it. ए, क्या मतलब? मतलब ये कि उसने पैसे दिए और हमने पैसे लिए, वैसे भी ये पैसे उसकी मेहनत की कमाई के नहीं है। अबे ओ विक्रम, तेरा भेजा तो नहीं सटेगा? क्यों? तुझे मालूम है ये हमारी हरकत एक कानूनी जुर्म हो सकता है? मजाक एक हद तक अच्छा होता है विक्रम। या? अच्छा हाँ। अगर तुम लोग कहते हो तो लौटा देते हैं, लेकिन वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं होगा जितना तुम दोनों समझ रहे हो। क्यों भाई, सीधा वहाँ चलकर हम लोग माफी मांग लेंगे उससे और कह देंगे कि हम लोगों ने बेवकूफी की तरह एक शर्त लगाई थी। क्यों नहीं ठीक है ना? हाँ, हाँ। गया हुआ माल वापस मिलने पर वो कितना खुश हो जाएगा? वो बहुत खुश हो जाएगा, जैसे कि हमने उसे उधार लिया है और इंटरेस्ट के साथ वापस देने जा रहे हैं। अरे इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। सच्ची मान यार, मेरा दिल नहीं करता, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, और पहले भी बिल्कुल पसंद नहीं यार। ये बात एकदम गलत है, तू हमेशा टोकता रहता है। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन यार जितने मैं पैसे का एक रात तो नशा लेने दे ना, ये पैसे भागे जा रहे हैं ना सेठ घनश्याम दास। क्यों? अच्छा प्रॉमिस कर, कल सुबह वापस करेगा ना? हाँ कर दूंगा। हम लोगों के कैफे पहुंचने से पहले ये पैसा उसके घर पहुंच गया होगा। प्रॉमिस। चल देखे। घनश्याम सेठ कल रात किसी ने चक्कू मार के उसका मर्डर कर दिया। तो मालूम नहीं, लेकिन पुलिस को सबूत हाथ लगा है। उन्होंने चिट्ठी लिखा था ना, वो पुलिस का हाथ लग गया। मिस्टर गुप्ता, आपकी घनश्याम सिंह से आखिरी मुलाकात कब हुई? कल शाम को जब वो इधर चाय पीने आया। ये लोग उन्होंने चाय पी और चुपचाप वापस चला गया। मेरे ख्याल में आप लोग आखिरी हैं जिन्होंने कल शाम तक उनको जिंदा देखा। यस दिखाइए, मैं आप लोगों की फोटो ले लो। फोटो क्यों खींचा बिना मुझे? पूछने क्या बात है, आपकी पब्लिसिटी होगी, कल आपका फोटो छपेगा अखबारों में, इसके लिए कैप्शन होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरी बार कल घनश्याम को देखा था। हमें फोटो नहीं चाहिए, प्लीज आप इसे फाड़ दीजिएगा। कमाल है, इसमें घबराने क्या बात है भाई जी, ये आपको कैसे समझ रहे हैं जी। अरे फटी बोलना यार, मुझे पब्लिसिटी चाहिए थी तो खुद खिंचवाता, हमें क्यों बीच में कराता है? अच्छा बोलना। मिस्टर गुप्ता, आप इस फोटो को पब्लिश कीजिएगा कहीं। आप दोनों शट अप, इनकी बात सुनिए। बिल्कुल नहीं। हाँ ये अच्छा हुआ, अगर अगर ये फोटोग्राफ छापे में आई ना तो मैं कोई भी नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल नहीं छपूंगा। अब ट्रस्ट यू सर, आई ट्रस्ट यू। ओके सर, बेफिक्र रहिए। गुड मॉर्निंग, मैं गोबर खरीद के लाया हूँ। एक कैसी है? आवाज बंद कीजिए और बैठिए, कुछ खबर भी है क्या हो रहा है? अरे अरे सब जानता हूँ यार, कल रात उस कमीज को फोन हो गया ना। कम से कम हम लोग पैसे तो बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, और मेरी तो 101 पसंद है। थोड़ा अजीब आदमी है, हम दोनों सीरियसली बात कर रहे हैं, तुझे मजाक सुझिए तो क्या? मैं बैठ के रो क्या? मुझे मेरा बात था। वो फैटी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने आखिरी बार सेठ घनश्याम को जिंदा देखा था। अरे इसमें खतरनाक बात क्या है? अगर हमने उसको आखिरी बार देखा भी है तो क्या पुलिस उन्हें फांसी पे चला देगी? अरे उनका बाप भी कुछ नहीं दिखा सकता अपना। सुनो, अपने ये थोपड़े संभाल कर रखो वरना लोग तीनों पकड़े जाएंगे। क्या समझे? अरे एक फर्स्ट क्लास गाड़ी देख के आ रहा हूँ, तुमको अच्छी लगे तो खरीद लेता हूँ, चौकी खरीद लूँ। चल यार देखो, तुझे कुछ एहसास है? एक बेचारे की जान चली गई, तुझे गाड़ी की पड़ी है। अरे उसकी जान चली गई तो क्या मैं अपनी जान भी दे दूँ? चले गो क्यों निशा? अरे अफसोस करने से क्या वो तुम्हारा जिंदा हो जाएगा? बोलो
दीदी किधर है? उसका फोन है किसी लड़की का है। नहीं है, देख लो ना, शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। जाओ जी देख लो। हाँ हेलो, कौन? अजय। आप मुझे कैसे जानती हैं? मैं तुम्हें नहीं, निशा को भी जानती हूँ। मगर कैसे जानती है? देखिए, अगर तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी है। उसके कौन कौन से दोस्त हैं? वो दिन भर क्या करता है, कहाँ रहता है, मुझे सब कुछ बता देता है। और क्या क्या बताया उसने आपको? सब कुछ। अच्छा सुनो, अगर विकी आए ना तो उसे कह देना कि शेरी का फोन था और उसने तुम्हें रात को बुलाया है। बहुत लड़की का कह रही थी तुमने उसको सब कुछ बताया। क्या? अंशा, मुझे लगता है ये विक्रम इतने दिन खुद फंसेगा, हमको भी फंसा। एडी ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक घनश्याम लाल जौहरी का खून एक पूरा प्लान बनाकर किया गया है, और इंस्पेक्टर सिंह का कहना है कि उन्हें इस मामले में बहुत से सबूत मिल चुके हैं। अब हमारे लिए बहुत जरूरी काम यह है कि उस टाइपराइटर को हमें किसी न किसी तरीके ढूंढ निकालना है जिससे घनश्याम लाल जौहरी को धमकी भरा हाथ देखा गया। यही टाइपराइटर हमें कातिल तक पहुंचा सकता। घनश्याम लाल जौहरी का खून कैसे हुआ जी? तुम उसे कब से जानते थे? मैं उसको नहीं जानता। तो फिर ये क्या, ये लड़की कौन? मेरे साथ में पढ़ा। तुम दोनों की फोटो इसमें कैसे छुपी? शाली ने शायद धोखे में छपा दी हो। शाली कौन? ये इसे कहने के मुताबिक घनश्याम के मरने से पहले आखिर बार हम तीनों ने देखा था कैफे में। कैफे में? घर से कॉलेज का बहाने जाते हो और बाहर लड़कियों के साथ कैफे में घूमते हो। अरे कॉलेज के बाद कभी कभी कैफे चले जाते हैं। इस लड़की का नाम क्या है? निशा। कितना सुंदर नाम है, किसी दिन इसे घर पर लेके आना बेटा। इसे घर पर लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप मौके की नजाकत को नहीं समझती है। आपके बेटे की फोटो खून के सिलसिले में छपी है। मैं सोचता हूँ लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। आप है कि लड़की पसंद करने की फिक्र कर रही हैं। आप तो हम पर चिल्लाने लगे। मैं कहता हूँ उसके छपवाने की जरूरत ही क्या थी? मैंने जानबूझ के थोड़ी छपाई जो आप चिल्ला रहे हैं। तुम चुप रहो, ये खून का मामला है। नहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गए तो सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। देर हो रही, मैं जाऊँ? जाओ खुलता पहला कसूर है, माफ कर दिए, आइंदा ऐसी गलती कभी ना हो। पंजाबी है? अरे पंजाबी पंजाबी नहीं, बेचारा मारवाड़ी था, ना जाने से क्यों मार दिया। मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ। अरे बात क्या हो रही है, आप बार बार बीच में लड़की की सीटें ला रही हैं। आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा अब चाहिए। आज का पेपर दिखा। और उसके अलावा जो छपा है वो? इसका मतलब है तुमने पेपर नहीं पढ़ा। अजय, पुलिस का कहना है कि उन्हें कातिल का सबूत मिल गया है, क्योंकि हर टाइपराइटर के अक्षर अलग अलग होते हैं। वो इस खत की वजह से टाइपराइटर को पालेंगे और टाइपराइटर के जरिए कातिल को। मैं वो पेपर लेके सीधा कॉलेज गई, वहां विक्रम मिला। मैं उससे सारे में बात करने वाली थी कि सब लोग इकट्ठे हो गए और मुझे उस अखबार में छपी फोटो के बारे में पूछने लगी, और इतने में न जाने विक्रम का कह सके। तुम्हारे पास अखबार है? हाँ।
खबर कहां से आई निशा? मुझे नहीं मालूम। ये 10,000 रुपए तुम दोनों के लिए है, 5,000-5,000 आपस में बांटो। विक्रम, विक्रम। मुझे लगता है जब मैं और उसे बातें कर रही थी तो विक्रम ने मेरे पर्स में डाल दिया होगा। चलो विक्रम के पास, कम ऑन। आदमी सुबह से तुझे ढूंढ रहा, तू है कहाँ यार? तेरे घर में हो क्या गए? मेरे घर क्यों? तुझे कोई जरूरी काम था। क्या काम है यार? तू यहाँ, मैं तुझे बताता हूँ। तू आ गया अजय, ऐसे कर तू यहाँ आ जा। मैं वहां नहीं आ सकता। क्यों? अरे फौरन पीछे मुड़कर मत देख। कोई यार, उसका तुम लोग से कोई वास्ता नहीं। एक काम करो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, शाम को 7 बजे यहाँ मिलते। कहाँ? सुपर क्लब आज यार रूम नंबर 226। चोरों की तरह क्या झांक रहा है अंदर? आजा आजा आजा। हाँ बैठ, बैठो नीचे बैठो। अबे बैठना यार, बैठ। हाँ बोल, क्या बात है? फोन पे बड़ा नर्वस था तू? चालू रहे यार, पार्टी अपनी है। शेरे विनोद देवना, अजय, निशा। हेलो, इनसे तो बातचीत हो चुकी है। हाँ मुझसे जी? हाँ कौन है? हाँ याद से, हाँ जी हाँ जी, मिलने का प्लान है। जी हाँ, ओके विक्की, शांति हो गया। ओके, आई होप यू लिख दी। थैंक यू। ओके बाय बाय। हाँ बोल बे, क्या बात है? आपने इसका पेपर पढ़ा है? नहीं, क्यों? इसीलिए आप इतनी लापरवाही से बैठे हैं, जरा पढ़िए तो पता चलेगा। अबे सस्पेंस क्या मारता है, बोलना क्या बात है? आपको शायद इतना तो याद होगा कि हमारा लिखा हुआ खत पुलिस के हाथ लग चुका है। याद है? याद है ना। और अब उसी खत की वजह से हम लोग पकड़े जाने वाले। कैसे पकड़े जाने वाले? इसलिए कि किसी भी टाइपराइटर के अक्षर दूसरे टाइपराइटर से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ वो टाइपराइटर पुलिस के हाथ लगा और हम लोग पकड़ गए बच्चू। हमारे टाइपराइटर की खास कमजोरी पुलिस ने मार कर ली है, फेंकने से टूटा हुआ था। कोई रास्ता निकालो वरना जरूर पकड़े जाएंगे। ओके ओके, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा यार। और अगर अंदर जाने की बारी आई तो मैं चला जाऊंगा, तुम लोगों को बचा लूंगा बस। अजय कल सुबह तू एक काम करना, निशा का टाइपराइटर लाकर राम जीन के पास छोड़ देना और उसके बाद मेरा कॉलेज में इंतजार करना। मैं उस टाइपराइटर को कहीं ले जाकर तोड़ फोड़ के फेंक दूंगा और उसी में का दूसरा टाइपराइटर लाकर
रख दूंगा, वेरी सिंपल। ओके कल सुबह जरूर करोगे ना विक्रम? कमाल है यार, तुम लोगों को मुझ पर इतना ही भरोसा नहीं क्या? अच्छा तो हम चलते हैं, कल सवेरे टाइपराइटर ले आऊंगा। अरे बैठो बैठो यार, कहाँ जा रहे हो? बोल कुछ हो जाए। जी नहीं। क्यों? शराब आपको ही मुबारक हो, हम चलते हैं। अरे अरे रुक तो सही यार, शराब नहीं तो जूस हो जाए। हो जाए एक बटर जूस, हाँ ऑरेंज जूस। क्या हुआ यार, इसका कोई अजीब ही कड़वा सा टेस्ट है। महाराज ये लस्सी थोड़ी ना है, जूस पी रहे हैं आप, जूस ऑरेंज जूस। पिलो पिलो, चलो एक ही घुटने पिलो। ओके कभी जूस पिया नहीं क्या? पिया है मगर कड़वा नहीं पिया कभी। अच्छा। मामला संभालना तू। संभाल लूंगा यार, बाय बाय। देखने दो, जल भी रहे हैं। अरे तो जल ले तो, खुली सड़क है बाबा। तो क्या हुआ भाई? तो हट जाए हो जाए। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोड़ा चोरी नहीं, हम वो करेंगे दिल जो कहे, हम वो जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ए, देखो वो छुप छुप के फरमा रहे हैं, क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। देख वो इश्क छुप छुप के फरमा रहे हैं, क्या मजा, दिल ही दिल में तो घबरा रहे हैं। लगना है दोनों पड़ोसी है वो, रिश्ता ही ऐसा है जाने भी दो, हम वो करेंगे जो कहे, हम वो जमाने से क्या। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ये भी जोड़ी है कैसी निराली है, साथ क्या, पीछे लाला चले आगे लाली।
कैसी निराली है साथ क्या पीछे लाला चले आगे लाली दोनों में शायद बनती न हो अपनी तरह इनमें छंदी न हो हम वो करेंगे जो जो कहे हमको जमाने से क्या अर्धा खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों दुश्मन जमाना और तुम हाँ बता सबको मिलता नहीं एक खजाना बोलो ना प्यार का है ये दुश्मन जमाना और तुम हाँ बता सबको मिलता नहीं एक खजाना जिनको अजी ये खजाना मिले देख देख उनको ये दुनिया जले हम वो करेंगे दिल जो कहे हमको जमाने से क्या हम करते हैं चोरी नहीं मिल गए दिल चोरा चोरी नहीं हम वो करेंगे जो जो कहे हमको जमाने से क्या खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों अजय गड़बड़ वो विक्रम को पैसे देने भूल ही गए अब क्या होगा मैंने कम ये आई सॉल्व प्रॉब्लम रो ये तो तेरे रोज का चक्कर है अब बात बहुत बदल चुकी है उसने डेफिनेटली हमारा पीछा कर रहे हैं मजाक मत किया कर यार अच्छा बता कौन था कल वो लंबा चौड़ा आदमी जो कैफे में बैठा था ना अरे जिसके बारे में तुमने मुझे फोन पे बताया था कल वो फिर मेरा निशा का पीछा कर रहा था नहीं यार तुमने तो ऐसे रास्ते में देख लिया होगा और सोचा तुम्हें पीछा कर रहा यार। बोल, क्या है? वो टाइपराइटर लेना पड़ा था। बस
चलना यार, अभी ठोक के खरीद लेते हैं। मैं नहीं आऊंगा यार। क्यों क्यों, तू नहीं आएगा? लेकिन तू समझता नहीं है, तू जाके अकेले खरीद के लिया। निशा अपना टाइपराइटर लिया ही है, उसे अपने रामदीन के पास रखा हुआ है, फॉर्म बदल लेंगे, कम से कम इस मुसीबत से छुटकारा तो मिल जाएगा। देख तुझे बोलता हूँ मेरे साथ चल, वरना अगर रास्ते मुझे कोई और चीज पसंद आ गई तो टाइपराइटर की जगह कोई और चीज ले आऊंगा, और वैसे भी मेरा माल खत्म हो रहा है। अरे अरे देख पिस्तौल आया, ये किस लिए? ऐसे ही साले बच्चे बच्चे चाकू लेके घूमते रहते हैं, तो मैंने सोचा पिस्तौल खरीद ली, कम से कम सामने वाले साले धौंस तो खाएंगे। ये देख, अरे पकड़। अरे पकड़ना यार, पकड़ने से कोई नहीं चल जाएगी। जानता है कितने के लिए है? 1800। कहां से लाया तू ये? अरे चोरी नहीं किए यार, माल खर्चा है, वो भी रोकड़ा। क्यों मुझा क्यों दी? क्यों पियो? तुम भी पियो, छिपा क्यों रहे हो? मैं नहीं पीता हूं सर, आप देख लीजिए, मैं तो नहीं पीता। आपने कॉलेज छोड़ दिया शायद? जी नहीं। तो फिर क्लास में क्यों नहीं जाते? सर आज मैंने छुट्टी ली है। तो यहाँ क्या करने आए आप? सिगरेट पीने के और भी बहुत से अड्डे हैं जहां पे आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। जाइए, आई से गेट आउट। आप भी छुट्टी पे शायद आज? जी नहीं सर। देखो अजय, मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तुम घर मुझे तुमसे कुछ बात कर। किसी को बुला रहे? जी वो मैं। वो क्या? कुछ काम था। क्या काम था? देखो अजय, तुम कॉलेज के अच्छे लड़के हो और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम एक आवारा लड़के के साथ में दोस्ती बढ़ाकर अपना और कॉलेज का नाम बदनाम करो। अगर तुम नहीं माने तो मुझे मजबूरन तुम्हारे डैडी से बात करनी पड़ेगी। इलावा विक्रम के और कौन कौन दोस्त हैं? तो साहब हम लोग विक्रम के दोस्त नहीं हैं, असल में एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना, बस जान पहचान है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए पुलिस वाले भी आदमी होते हैं, मुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं। जो मैं पूछता हूँ और जो कुछ आप लोगों को मालूम है वो साफ साफ बता दीजिए।
विक्रम के बारे में आप कुछ नहीं जानते? नहीं, लोगों के कहने के मुताबिक कॉलेज में, कॉलेज के बाहर कैंटीन में विक्रम सिर्फ आप लोगों के साथ देखा गया है, और आप कहते हैं आप कुछ नहीं जानते। हम साथ में घूमते जरूर हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमें उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं, इन बातों से हमारा क्या लेना देना? क्यों निशा? हाँ। उसके पास नई कार कहाँ से है? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, शायद उसके डैडी ने प्रेजेंट दिया। नहीं, उसने गैरेज से कैश पैसे दे के लिए, हमने गैरेज वाले का बयान भी ले लिया है। उसके पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? हमें नहीं मालूम। जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसमें भी 5,000 रुपए के नोट मिले। तलाशी? जब विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? जी नहीं, विक्रम मर गया। मगर ये सब कब हुआ? कल रात 11 बजे। शायद गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था, कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक टर्निंग पे उलट गई, विक्रम उसी जगह खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल, आप लोग किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसकी विक्रम से दोस्ती, मोहब्बत या कोई ताल्लुकात थे? हमें कुछ नहीं मालूम जी। झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप, सब कुछ जानते हैं लेकिन बताना नहीं। ये झूठ नहीं है, इसमें तो सच है। विक्रम के दोस्त कौन थे, गाड़ी कहाँ से लाए, पैसे कहाँ से लाए, किस लड़की को उसके ताल्लुक था, हमें कुछ नहीं मालूम जी। आदमी सिर्फ दो ही सूरतों में चिल्ला के बात करता है, या तो जब वो बिल्कुल झूठ बोल रहा हो या जब वो बिल्कुल सच बोल रहा हो। आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये हमको मालूम नहीं है। ओके, अब क्या होगा? कुछ तो बोलवाइए। मुझे क्या मालूम क्या होगा? वो मेरा टाइपराइटर विक्रम के पास ही है, कैसे लगता है क्या लग गया उसको? क्या चलते विक्रम बहुत शरारत करता था, सब उसे टोका करते थे, सबको बहुत सताता था, चला गया। अब बेटी कोशिश तो बहुत कर रहा हूं लेकिन। अरे तुम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं, क्या पियोगे? हम लोग चलते हैं। अच्छा, टाइपराइटर की तो बात की नहीं। एक्सक्यूज मी अंकल, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन विक्रम ने निशा के भाई से टाइपराइटर लिया था, मुझे तो जरूरत है, आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं मालूम बेटा। ऐसा करो, विक्रम के कमरे में चले जाओ, अगर वहां मिले तो ले जाओ। अच्छी अच्छी बात। Thank you.
क्या जवाब दूं? अगर पुलिस के हाथ लग गया तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। विक्रम ने जिंदगी को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया था। मैं जब भी उसे डांटता था वो अपनी शरारत भरी मुस्कुराहट से मुझे मुंह चिढ़ा दिया करता था, और आज भी ऐसा लगता है कि उसकी वो शरारत भरी मुस्कुराहट, उसकी वो हंसी इस हॉल में, इस कॉलेज के कोने कोने में गूंज रही है। लेकिन प्यार और सद्भावना की बड़ी से बड़ी दीवार भी जिंदगी और मौत के बीच नहीं खड़ी है। विक्रम, अब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। क्या? टाइपराइटर शरीक क्या रखा हो। हम शाम को ब्लूबर्ड क्लब चलते हैं। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। शरी अपने डांस के लिए बस आती ही होगी। उसका आइटम करीबन 3-4 मिनट तक चलेगा। इस दरमियान मैं उसके कमरे में जाके टैबलेट ढूंढूंगा। अगर किस्मत से साथ दिया तो मुझे जरूर मिल जाएगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई, मेरा मतलब मैं पकड़ा गया, तो तुम यहाँ से चली जाना। हाँ, तुम्हारे बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। सारा इल्जाम अपने आप पे ले लूंगा। ऐसे क्यों कहते हो जी? तुम मुझे इतना खुद कर समझते हो। आज तक हम दोनों साथ रहे हैं, आगे जो कुछ भी होगा दोनों साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। तुम समझती नहीं हो निशा, तुम एक लड़की हो। तो क्या हुआ, ये जो कुछ भी हुआ इसके जितने तुम जिम्मेदार हो उतनी मैं हूँ। इसलिए जो तुम्हारा होगा वही मेरा भी। मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। निशा प्लीज। नहीं, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो मेरा इंतजार रिसेप्शन के आगे करना।
तुम्हें, आपकी तरह मेरा भी सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था। मैं पागल हो जाती थी। देखो देखो वो आ गया, सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए। आ!
टाइपराइटर लेने आए थे जी। आई एम सॉरी शेरी जी, असल में हम लोग अजीब मुसीबत में फंस गए हैं, इसे काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। ठीक है ले जाओ, मैं तो खुद तुम लोगों की मदद करना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच शेरी जी। सुनो जी, वो 6 लाख के हीरों का हार कहाँ है? कौन सा? जो पुलिस के बयान के मुताबिक घनश्याम दास की दुकान से चोरी हुआ था जी। मुझे हार के बारे में कुछ पता नहीं। हा? मैं सच कह रहा हूँ शेरी जी, उसने डस्टबिन में सिर्फ नोटों का बंडल फेंका था जिसे हम लौटाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही शेर घनश्याम। सच में हार के बारे में कुछ नहीं जानते? आई स्वयं मैं कसम खा के कहता हूँ कुछ नहीं। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। निशा टैबलेट मिल गया, चल चलो यहाँ से।
निशा, मेरा ख्याल है हमें टाइपराइटर यहीं से छुपा लेना चाहिए। क्या निशा, साधन का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है वो हमारा पीछा भी कर रहा हो, हम सुबह आके ले लेंगे। बदमाश लेकर निशा, विक्रम ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया जी? इसमें रोने का क्या है? निशा, देखो तुम अब घर जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। नहीं अजय, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। समझने की कोशिश करो, तुम्हारा घर से ज्यादा बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम्हारी मदद पड़ेगी, मैं तुम्हें फोन करूंगा। लेकिन अजय प्लीज, तुम समझते क्यों नहीं? प्लीज, लेकिन प्रॉमिस करते हैं ना? I promise. हेलो हेलो शरी जी, मैं जय बोल रहा हूँ, वो टाइपराइटर हमसे खो गया है। क्या जी? ओह माय गॉड। सुनो, तुम एक काम करो, आज शाम को यहाँ 6 बजे पहुंच जाओ। क्यों? तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या करनी है? यही, तुम दोनों बेगुनाह हो और असली कातिल कोई और है। कौन है शरी जी? उफ़ अजय, मैं तुम्हें फोन पे कैसे बताऊं? तुम शाम को 6 बजे यहाँ पहुंच जाना। अच्छी बात है शरी जी, मैं आता हूँ। बाय।
शेरी जी, शेरी जी, माइम साहब की कपड़ा है स्त्री को दिया था मेम साहब नहाती है मैं दे दूंगा तुमसे कहा था ना कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ इसका पता हम लगा लेंगे लगा लिया ना आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है क्या मतलब बनने की कोशिश मत करो तुम्हारे ऐसे आदमी को दिन रात हम बनाया करते हैं समझे मतलब मैंने शरीर का खून किया जी हाँ तुमने किया अपने खिलाफ सारे सबूत खत्म करने के लिए आज तुमने तीसरा खून किया तीसरा हाँ तीसरा पहला सेठ घनश्याम घनश्याम का खून मैंने किया दूसरा विक्रम तीसरा शेरी नहीं इंस्पेक्टर साहब मैंने किसी का खून नहीं किया आज इन्होंने मुझे बुलाया था फोन से मैं यहाँ खुद नहीं आया इंस्पेक्टर साहब अब देखो अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सीधी तरह अपने गुनाह कबूल कर लो मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं इंस्पेक्टर साहब तो कबूल क्या करूँ इंस्पेक्टर साहब आप बेकार मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मैंने किसी का खून नहीं किया तुमने किसने किया है कौन है ऐसे कातिल वो मैं नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब मैं बेकसूर हूँ मेरा सुनना चाहते हैं ना तो मैं इसके बारे में जो कुछ भी जानता हूं आपको सुनाने के लिए तैयार हूं मैंने नहीं कहा इंस्पेक्टर साहब वेरी गुड मैंने तो उस दिन भी कहा था कि बता दो लेकिन न जाने क्यों तुमने उस दिन इनकार कर दिया एनीवे तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई है तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे कम ऑन पुलिस स्टेशन में आओ आओ हमारे साथ मैंने कोई काम नहीं किया आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं यकीन कीजिए मेरी बात से तुम पुलिस स्टेशन जाने से घबरा रहे थे ना लो मैं तुम्हें मंदिर में ले आया हूं मैं जानता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें यहां ले आया हूं ताकि तुम भगवान के सामने सच बोलो और कानून की मदद करो और कानून तुम्हारी करो नहीं तो सच कह डालो
मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं इंस्पेक्टर साहब कि हमने कोई खून नहीं किया। हाँ, हमने एक मजाक जरूर किया था, मेरा मतलब मैंने और विक्रम ने मजाक किया था। खेल खेल में हमने सेठ घनश्याम दास को ब्लैक कोबरा के नाम से धमकी दी थी। मैंने विक्रम से बहुत कहा कि वो पैसे अपने नहीं वापस लौटा दे, लेकिन उसने मुझे बिना बताए हुए कुछ पैसे पहुंचा दिए। मुसीबत में फंसा कर चला गया, लेकिन मैंने उन पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब। परसों रात मैंने पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिए थे वो पैसे। बस यही कसूर है मेरा इंस्पेक्टर साहब। और वो हीरों का हार कहाँ है? ये हीरों के हार के बारे में मुझे क्या मालूम इंस्पेक्टर साहब। कल शरी जी भी कह रही थी कि पुलिस के बयान के मुताबिक एक चेला का हीरों का हार चोरी हुआ था, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो बेटे, मंदिर में खड़े होकर भगवान के सामने झूठ नहीं बोला करते। उन पैसों के साथ एक हार भी चोरी हुआ है। क्या बात, बता दो वो हार कहाँ है। एक हार के लिए अपनी जिंदगी क्यों मुसीबत में फंसा रहे हो? लाओ वो हार पुलिस के हवाले कर दो। मेरी बात मान लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे अच्छे नहीं मालूम वो हार कहाँ है। देखो अजय, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बता दो वो हार कहाँ है, मैं तुमसे आपकी बात पूछ रहा हूँ। मेरी बात तो मानिए, मुझे नहीं मालूम हार कहाँ। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ बोलने से बाज नहीं आओगे। मैंने तुम्हें काफी मौका दिया है, अब तो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा। मेरी बात तो मानिए। और पुलिस स्टेशन में तुम्हें इतनी मार पड़ेगी कि मैं बताता हूँ हार कहाँ है। यही है वो असली कातिल इंस्पेक्टर साहब। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। आज मुद्दत के बाद मुलाकात हुई है। चाहता था कि बहुत जल्द आमना सामना हो, मगर हर बार तुम चालाकी से बच निकलते थे। आज तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारे सामना। तो एक ना एक दिन होना ही था। अजय, खबरदार। अजय, ये क्या हमारा है? चल पिछोड़ा, चल। शाबाश बेटा, लाओ ये रिवाल्वर मुझे दो। इंस्पेक्टर नहीं, ब्लैक कोबरा। अब सुनाओ इंस्पेक्टर सूद, जिसे तुम बचाने आए थे वही तुम्हारी मौत बन गया। अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच सकते। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं ब्लैक कोबरा, मगर तुम पुलिस के हाथों नहीं बच सकते, क्योंकि इन बच्चों के छोटे से खेल ने तुम्हारी जिंदगी के सारे प्लान और चालाकियों को खाक में मिला दिया। इन्होंने तुम्हारे नाम से सेठ घनश्याम दास को धमकी दी। बदकिस्मत से तुम भी उसे लूटने घर से उस रात वहां पहुंचे। और तुम्हारा खून करके इन तमाम कहानियों के सबूत यही खत्म कर दूंगा इंस्पेक्टर सिंह। ये तुम्हारी भूल है ब्लैक कोबरा। शायद ये तुम जानते नहीं कि शेरी ने अपने मरने से पहले तुम्हारी सारी कहानी सबूत के साथ एक कागज पर लिख दी थी, जो उसकी मौत के बाद उसके कमरे में पुलिस के हाथों लगी। बात बंद करो, नहीं तो ब्लैक कोबरा। अजय, मैं कहता हूं रुक जाओ। अजय, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बता दो वो हार कहां है। तो तुमने सुन लिया कि मैं कौन हूं? जो मेरे साथ धोखा है चालाकी करता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। विक्रम ने मेरे साथ चालाकी की, मैंने उसे मार डाला। शेरी ने मेरी गर्लफ्रेंड होकर विक्रम के साथ गलत ताल्लुकात रखे, मुझे धोखा देकर तुम्हारी मदद करना चाहिए, मैंने उसे भी मार डाला। मैं अब भी कहता हूं मेरे साथ चालाकी मत करो और बता दो वो हार कहां है। अजय, तो आप से सौल भी रखते हैं।
पहले बाहर निकलो। मैं कहता हूं बाहर निकलो। अजय मैं कहता हूं बाहर निकलो। कोशिश करो मंदिर में खड़े हो, शायद तुम्हारे पिस्तौल में खुद बखुद गोलियां आ जाएं। भगवान कोई चमत्कार दिखा दे। सदा कानून पर छोड़ो। हमने आपको पहले पहचाना नहीं। सारी तो मुझे तुम लोगों से कहना चाहिए। इस खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए तुम लोगों से मुझे अपनी असलियत छुपानी पड़ी। और तुम कल पुलिस स्टेशन आकर
अपना टाइपराइटर ले जाना। वो टाइपराइटर ग्रेवयार्ड से मैं ले गया था, और जो पैसे तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन में फेंके थे हमें मिल गए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो हीरो का हार के बारे में क्या है? डोंट वरी, वो हार बार कोई चोरी नहीं हुआ था, सब ड्रामा था। अगर वो हार झूठी खबर न देते तो ये शायद आज भी गिरफ्तार नहीं था। और तुमने भी एक आपकी बार ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं करेंगे हम, चाहे वो खेल खेल में ही क्यों ना हो। हाँ।